हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग बात करने वाले फिशिंग अटैक के बारे में। जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि फिशिंग अटैक क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से किया जाता है, तो उनके लिए आज की वीडियो है। और जिनको भाई पता है कि फिशिंग अटैक क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से किया जाता है, उनके लिए भी आज की वीडियो में कुछ है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये वीडियो हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था न्यू दिल्ली साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, जिसमें क्लियर वर्ड मेंशन किया गया कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी हैकिंग या साइबर अटैक्स हो रहा है, उनमें से 45% जो अटैक्स है वो हो रहा है इंडिया में, यूएसए, इंडोनेशिया एंड चाइना में। मतलब ये है कि अगर एक मिनट में अगर 100 हैकिंग या 100 साइबर अटैक्स हो रहा है ना, तो उनमें से हाईली ये चांसेस होगा कि ना 45 जो अटैक्स है, 45 हैकिंग है ना, वो इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए या चाइना में हो रहा होगा। अब देखो, हमारे लिए हैरानी और परेशानी की बात ये नहीं है कि ये 45 जो अटैक्स हुआ इन चारों देश पर हुआ है, बल्कि हमारे लिए हैरानी की बात तो ये है कि जितनी भी चारों देश में अटैक्स हो रही है, उनमें सबसे ज्यादा जो अटैक्स देखने को मिल रहा है वो गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की एजेंसी के ऊपर मतलब कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग। अब गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग कौन है, जैसे कि पुलिस हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग है, इन पे सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहा है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ही ऊपर अटैक हो रहा है। एंड अगर आपको कुछ न्यूज याद होगी, थोड़ी टाइम पहले 2021 में सितंबर के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट को भी हैक कर लिया गया था। और भाई बात यही खत्म नहीं हुआ, हमें और भी हैकिंग और भी अटैक्स देखने को मिला 2021 और 2022 में। तो देखो जैसे एक बात तो साफ है कि जब गवर्नमेंट के ऊपर अटैक हो सकता है, तो क्या मुझ पर और आप पर अटैक नहीं हो सकता है? जब उन लोगों के आईडी को हैक किया जा सकता है, तो क्या मेरी और आपके आईडी को हैक नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। एंड ये हाईली चांसेस होगा कि एक ना एक बार आपका सोशल मीडिया, मोबाइल या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हैक हुआ होगा। तो क्या हम लोग इससे बच या रोक नहीं सकते? अगर हम लोग बच सकते या फिर रोक सकते हैं, तो कैसे रोक सकते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, बिना स्किप किए। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वैसे आप ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि इंडिया में 6,17,000 केसेस का रजिस्टर किया था 2022 में जून के महीने तक, और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा को इस बारे में इन्फॉर्म किया। और उन्होंने लोकसभा को यह भी बताया कि 2019 में, 2020 में और 21 और 22 में कितनी कितनी केसेस को रजिस्टर किया गया था इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में 3,94,499 केसेस को रजिस्टर किया गया था इंडिया में, वही आंकड़ा 2020 में बढ़कर के हो गया 11,58,208 केस, और वही केस 2021 में बढ़कर के हो गया 14,02,809 केस, और 2022 में जून के महीने तक 6,74,221 केस को रजिस्टर किया गया इंडिया में। अगर मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाऊं, तो इस आर्टिकल में साफ साफ ये क्लेम किया गया कि हर साल हैकिंग के केस 95% के हिसाब से बढ़ रहा है। अब देखो, हैकिंग बहुत सारी अटैक होती है जिससे आपका आईडी को हैक किया जा सकता है, उनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन अटैक होता है उसका नाम है फिशिंग अटैक। तो अगर आपको फिशिंग अटैक के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है ना, तो अभी आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाऊंगा मैं, जिससे आप समझने में एंड मुझे समझाने में काफी आसानी होगा। अब फिशिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर द अटैकर अटेम्प्ट टू ट्रिक अ पर्सन इनटू गिविंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच अ पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर बाय पोजिंग एज अ ट्रस्ट वर्डी एंटिटी इन अ मेल, टेक्स्ट और ऑनलाइन मैसेजेस। द अटैकर क्रिएट अ सिंग ऑफ एमरजेंसी और फेयर टू कन्विंस द विक्टिम टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, ऑफ्टन यूजिंग अ फेक वेबसाइट और मेल दैट लुक लेजिटिमेट। द गोल ऑफ अ फिशिंग अटैक इज अ स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑफ्टन फॉर फाइनेंशियल गेन और आइडेंटिफाइड थीफ। देखो गाइस, फिशिंग अटैक साइबर अटैक या हैकिंग का एक हिस्सा है, जिसमें जो हैकर वो कोशिश करता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने का, जैसे कि पासवर्ड या फिर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, वो आपको मेल भेज के या फिर टेक्स्ट भेज के या फिर ऑनलाइन मैसेज भेज के ये बताएगा कि वो ओरिजिनल है। और जो हैकर वो आपको इमरजेंसी बोल करके या फिर आपको डरा के आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करेगा वेबसाइट के थ्रू या तो मेल के थ्रू। और इस अटैक का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना, जैसे कि आपका पासवर्ड, आपका नाम, आपका पता एंड साथ ही में आपका क्रेडिट कार्ड नंबर को निकालना। अब देखो गाइस, बात करते हैं कि अटैक इतना पॉपुलर एंड कॉमन क्यों है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ व्हाट्स रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म, यानी कि हैकर्स इस चीज को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या यूज में लेता होगा। तो देखो गाइस, फर्स्ट पे यूजिंग फोन और लैपटॉप, मतलब इस अटैक को आप फोन और लैपटॉप दोनों से ही परफॉर्म कर सकते हो। और नंबर टू पे कोडिंग नॉलेज नॉट नीडेड, इसका मतलब कि इस अटैक को करने के लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही अटैक को आप टर्मेक्स, काली लिनक्स और अदर्स का मतलब उबंटू, पैरेट, इन सभी के साथ आप इस अटैक को कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। एंड नंबर फोर पे इजी टू परफॉर्म, मतलब कि इस अटैक को 5 साल का बच्चा भी कर सकते हैं, इतना आसान है। और नंबर फाइव पे टेक्स लेस देन टाइम देन अदर, मतलब ये कि बाकी अटैक से ये अटैक काफी ज्यादा कम समय लेता है एंड काफी जल्दी हो जाता है। ओके गाइस, तो बात करते हैं कि फिशिंग अटैक काम कैसे करता है। तो अभी आपको एक अटैकर दिख रहा होगा, ठीक, उसके बाजू में आपको एक टारगेट दिख रहा होगा।
तो गाइस समझो ये जो अटैकर या फिर हैकर है ना उसको क्या करना है, ये जो टारगेट का फेसबुक का पेज का यूजर नेम एंड पासवर्ड जानना है। तो गाइस वो क्या करेगा ना, वो सबसे पहले जाएगा एंड फेसबुक की तरह हूबहू दिखने वाला एक वेबसाइट बनेगा, डुप्लीकेट बनाएगा एंड वो अगर आप उसे ओपन करो तो आपको लगेगा वो ओरिजिनल फेसबुक का पेज है लेकिन वो हैकर के द्वारा बनाया हुआ पेज है, तो वो फिशिंग पेज होगा। अगर आप उसमें कुछ भी अपना इन्फॉर्मेशन डालोगे ना तो फेसबुक का जाने जगह वो हैकर के पास आएगा। अब वो क्या करेगा ना, उस फिशिंग वेबसाइट का लिंक आपको सेंड करेगा एक ऑफर के साथ। ये ऑफर कैसा हो सकता है, ऑफर ऐसा हो सकता है कि इस लिंक के ऊपर टाइप करें और जीत जाए आईफोन, या फिर आप जीत जाएंगे 250 रुपया या फिर 500,000 रुपया, ऐसे कुछ आपको ऑफर दे करके उस लिंक को सेंड करेगा। तो जैसे टारगेट के पास गया मेल के द्वारा तो उसने ओपन किया मेल, देखा कि हाँ भाई मुझे आईफोन मिल रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसने जैसे क्लिक किया तो वो बोल रहा है कि क्लेम करने के लिए आपको फेसबुक से लॉग इन करना पड़ेगा। तो वो उससे लगे कि ओरिजिनल फेसबुक का पेज है, तो वो क्या करे अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ही एंटर करेगा ना तो उसका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो अटैकर के पास पहले जाएगा, और अटैकर के पास जैसे ही चले जाएगा ना तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड जैसे ही अटैकर के पास जाएगा ना तो अटैकर वो यूजर नेम पासवर्ड लेकर के ओरिजिनल फेसबुक पेज में लॉग इन करने की कोशिश करेगा। अगर लॉग इन हो जाता तो आपको यहाँ पर कंफर्म करेगा एंड आपको बता दें आप जीत गए हो, लेकिन आपको कोई भी डिलीवरी नहीं आएगा एंड उसी समय आपका आईडी हैक भी हो गया है। तो गाइस फिशिंग अटैक ऐसे ही काम करता है, हैकर या फिर अटैकर है ना डुप्लीकेट एक पेज बना देता है, क्लोन पेज बना देता है, जो पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है कि ओरिजिनल पेज या फिर फिशिंग पेज है। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप ये पकड़ सकते हो कि ओरिजिनल पेज या फिर फिशिंग वेबसाइट है। तो चलो मैं आपको अभी टिप्स बताता हूँ। ओके गाइस, तो पहले टिप्स के ऊपर आते हैं कि कभी भी अगर आपको कोई भी अनजान नंबर से मैसेज आता है या फिर मेल आता है कि आप इस लिंक को ओपन करो आप ये जीत जाओगे वो जीत जाओगे एंड उसके बदले आपको कुछ लॉगिन करने बोलता है तो वहाँ पर एक पहले लॉगिन मत करो, ये पहला टिप्स है। एंड दूसरा टिप्स है कि ना अगर आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो एंड ऐसा आपको डेंजर वाला साइन दिखता है तो ये आपको गूगल बता देता है कि हाँ ये भाई फिशिंग वेबसाइट है, वो काफी केसेस में डिटेक्ट कर लेता तो आपको बता देता है कि फिशिंग वेबसाइट है, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो जो नंबर 3 टिप्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिससे आप पता कर सकते हो कोई भी फिशिंग पेज अगर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना, आपको उस वेबसाइट को ओपन करना है, उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद अगर आपको कुछ लॉगिन करने बोले जैसे कि फेसबुक लॉगिन करने बोला तो आप जानबूझ के अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत डालो, क्योंकि जो फिशिंग वेबसाइट उसको पता नहीं होता कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है। तो आप जैसे गलत डालोगे लॉगिन करते तो लॉगिन हो जाता है, इसका मतलब वो फिशिंग वेबसाइट है, क्योंकि जो ओरिजिनल वेबसाइट है अगर आप कुछ गलत पासवर्ड डालोगे तो वो आपको एरर दे देता है, लेकिन फिशिंग वेबसाइट को इस चीज पता नहीं होता है तो आपको लॉगिन ले लेगा तो इसका मतलब वो फिशिंग वेबसाइट है। ये एक ऐसा टिप्स है ना जो आपका हर एक चीज में काम आ जाएगा, ये फिशिंग वेबसाइट को पहचानने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। जस्ट उसको ओपन करना है एंड अपना यूजर नेम पासवर्ड पहले सब में गलत डालो, अगर ओरिजिनल वेबसाइट भी खोल लेना उसमें एक बार गलत डाल के देखो, अगर बता रहा है एरर इसका मतलब वो ओरिजिनल वेबसाइट, अगर लॉगिन हो जा रहा है इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। तो ये जो टिप्स है वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो गाइस अगर आपको ये प्रैक्टिकली में जानना है कि अटैकर कैसे हैक करता है, कैसे वो परफॉर्म करता है, कौन कौन सा टूल का यूज करता है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड गाइस अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है या फिर हैकिंग सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपको ऑनलाइन की दुनिया में सेफ रहना है सिक्योर रहना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं कोई नई वीडियो में कई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।